मॉर्निंग बच्चों, मैं सुमन निरंतर आज मैं आपको कक्षा चौथी का गणित पढ़ाऊंगी। अध्याय 10 लघुत्तम समापवर्त्य और अपवर्त्य। अब लघुत्तम समापवर्त्य होता क्या है? तीनों संख्याओं को एक साथ रखकर सबसे छोटी ऐसी संख्या से भाग करते हैं जिससे एक से अधिक संख्याएं क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। यह विधि तब तक अपनाते हैं जब तक भागफल एक न प्राप्त हो जाए। जो संख्या विभाजित ना हो उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं। उसी प्रकार भाग करके हम अंत में सभी संख्याओं का क्या करते हैं, भागफल प्राप्त कर लेते हैं। अंत में सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल प्राप्त कर लेते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। आइए लघुत्तम समापवर्त्य और अपवर्त्य से संबंधित सवाल हल करके देखते हैं। नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। क, 4 और 6। हमको 4 और 6 का क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्त्य। आइए इसे सॉल्व करते हैं। महत्तम समापवर्त्य में हमने क्या किया, गुणनखंड को अलग अलग विधि से निकाला, लेकिन इसमें क्या करना है, हमको एक साथ दोनों संख्याओं को रखकर, दोनों अंकों को रखकर उसका क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम 2 से भाग करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 3 6। अब ये 2 से जा सकता है, 2 एकम 2, और 2 3 से भाग नहीं जाएगा तो 3 का 3 हम ऐसे भी काट देते हैं। अब ये किससे जाएगा, 3 से, 3 एकम 1 का 1, 3 एकम 3। अब ये पूरा भाग चला गया, भागफल क्या बचा हमारा, 1। अब हम इसका क्या निकालेंगे, दोनों का गुणनफल निकालेंगे। 4 और 6 का गुणनखंड, गुणनखंड बराबर क्या निकला, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसको क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। 3 दुनी 6 6 दुनी 12, तो हमारा गुणनखंड कितना आया, लघुत्तम समापवर्त्य क्या आया, 12। तो हम आंसर लिखेंगे, आंसर बराबर 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक 12 होगा। नंबर ख, इसमें 3 संख्याएं दी गई है, 5 10 15, इसे भी हमें सॉल्व करना है। आइए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। इसका भी हमको क्या निकालना है, गुणनखंड, गुणनखंड। इसको एक साथ लिखे करेंगे, 5 10 15। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 2 5 से भाग नहीं जाएगा तो 5 का हम 5 लिख देंगे, 2 5 10, और 15 भी 2 से भाग नहीं जाएगा तो हम इसको भी वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब ये किससे जाएगा, 3 से, 3 5 से भाग नहीं जाएगा तो हम 5 को 5 ही लिख देंगे, ये भी नहीं जाएगा वैसे वैसे ही लिख देंगे, और 3 5 15। अब ये किससे जाएगा, क्योंकि 3 और 5 है तो ये 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो इतना हुआ, एक भाग तक बच गया। अब हम क्या निकालना है, गुणनखंड, 5 10 और 15 के गुणनखंड बराबर 2 गुणी 3 गुणा 5 बराबर, गुणा करते हैं, 3 का पहाड़ 5 बार पढ़ेंगे, 3 5 15, 15 का पहाड़ 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 15 3 30। हम इस तरफ से भी पढ़ेंगे तो हमारा आंसर वही है, 2 का पहाड़ अगर 3 बार पढ़ते हैं तो 2 किया 6 और 6 5 30। तो हमारा लघुत्तम समापवर्त्य कितना आया, 30। आंसर लिख देंगे, 5 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक 30 होगा। तो आज हमने अध्याय 10 में क्या पढ़ा, लघुत्तम समापवर्तक। जैसे मैंने सवाल समझाया है वैसे ही बाकी सवालों को बुक से ध्यान से पढ़कर कॉपी में हल करें। थैंक यू।